आत्मा को पाने के लिए ज्ञान के द्वारा पाया जा सकता है, भक्ति के द्वारा पाया जा सकता है, या कोई और तरीका है जिसके माध्यम से पाया जा सकता है। कितना सवाल इन्होंने अपने मन में उजागर किया है, और इसका समाधान एक शब्द में ही आया कि अगर आप भक्ति करेंगे तो ज्ञान के बिना भक्ति करना संभव नहीं है। जबकि मैं पहले से ही बोलता आया हूं कि ज्ञान के बिना कोई कर्म करना संभव नहीं है, इसलिए परमात्मा ने पहले दिया है ज्ञान। कि ज्ञान इसलिए मैं दे रहा हूं कि तुम्हें अपने जिंदगी को जीना है, धरती पर तुम्हें जीवन जीना है, तो जीवन जीने के लिए तुम्हें ये ज्ञान चाहिए। इस ज्ञान के बिना तुम कर्म नहीं कर सकते हो, इसलिए परमात्मा ने दिया है ज्ञान। रही भक्ति, तो भक्ति करने के लिए भी ज्ञान चाहिए, क्योंकि किसकी भक्ति करना है पहले जानना पड़ेगा, भक्ति कैसी करना है करनी है वो हमें जानना पड़ेगा, है भक्ति किसको कहा गया वो जानना पड़ेगा। तो बिना जाने भक्ति का करना संभव नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, भक्ति में ब्लाइंडनेस भी आना नहीं चाहिए। भक्ति में अगर अंधापन आ गया तो भक्ति नहीं कर पाएंगे आप बिना जाने भक्ति। अभी चाय गर्म है और हमने ठंडी समझ करके लगा दिया, जीव जल गया, होंठ भी जला, है ना, तो जानना पड़ेगा। जाना कैसे, हाथ में पकड़ा, जब पकड़ाया गया तो हाथ ने बता दिया बेटा अभी मुंह मत लगा, पहले इसमें फूंक लगा, और फूंक में तासीर दोनों है, दुख को मिटाने का भी है, दुख देने का भी है फूंक में। अब देखिए यहाँ तो ठंडा करने की तासीर है, और जब आंख में धक्का लग जाए तो उसी फूंक से हम इसको सेक लगाते, है ना। यानी स्टीम इंजन बनाने वाला का जो काम और हुक्का बनाने वाला का काम वही है, एक कलेजा फूंक रहा है, एक दुनिया को यहां से वहां ले जा रहा है, आजकल दोनों का ही लगा हुआ है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, पहले हम बिना जाने उस काम को नहीं कर सकते, अंजाम नहीं दे सकते, तो भक्ति किसकी करनी है वो जानना पड़ेगा। अब किसकी भक्ति करनी है अगर हम नहीं जाने तो भक्ति होना संभव नहीं है। अब वो हिंदू मानसिकता को देखेंगे, जब नरेंद्र गए रामकृष्ण परमहंस देव के पास, बाबा अपनी माँ के देखी अच्छा ना की, अरे साला माँ के देखी बोलेगी, माए सुनके कथाओ बोली अच्छे, ये जवाब आया। माए सुनके कथाओ बोली अच्छी, तब इसका मतलब क्या, माँ शरीरधारी है तभी तो बात करेंगे, शरीरधारी के बिना बात करना संभव नहीं है। अब रही बात वहां, अगर उसके माँ को अगर परमात्मा माना जाता है, क्योंकि परमात्मा को भी तो भी माता चाहे पिता तो भी बोला है, वेद भी कह तो बिना पिता बच्चों तो माता शब्द मतलब वो पिता दादा, वेद में परमात्मा को माता भी कहा गया और पिता भी कहा गया, तो पहले माँ आया है ना। तो अगर वो परमात्मा को ही कह रहे हैं कि उस परमात्मा से हमने बात भी की है, तो क्या परमात्मा से बात करना या परमात्मा के द्वारा बात करवाना संभव है। तो किसको बोल रहे हैं, महेश्वर ने पता बोलिए, जितना आदि गुरु शंकर आचार्य ने कहा इस बात को, अहम ब्रह्मास्मि, मैं वही हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, है ना। तो मैं ब्रह्म हूँ अगर, तो जो गुण ब्रह्म में है वही गुण हमें होना चाहिए, जब हम है वही, पहली बात। दूसरी बात है कि अगर हम वही हैं तो उसको ढूंढते क्यों हैं, जब है वही। तो आप समझ नहीं पाए, इसका मतलब आप समझदार नहीं है, उसको समझने की मात्रा आपके अंदर में नहीं है, उसको समझने की ताकत शक्ति आपके अंदर में नहीं है, इसीलिए मतलब ये हुआ वो अलग है, आप अलग हैं, वो सर्वज है, आप अल्पज हैं, वो नारायण है, आप नर हैं। तो नारायण को नर बनना नहीं पड़ेगा, पहले बहुत बार बता चुका हूँ, धान काटने वाला उदाहरण भी दिया, आकाश सूर्य का उदाहरण दिया, खिलाड़ियों का उदाहरण दिया, सब तरीका अलग रहे। परमात्मा ज्ञान में परिपूर्ण है, और जीवात्मा में कुछ ज्ञान है कुछ अज्ञानता है, तो
तो हम जो परमात्मा को ढूंढते इसलिए हैं कि हम अपनी अज्ञानता को दूर करने के लिए और उससे ज्ञान प्राप्त करने के लिए। अगर हम वही हैं तो भला उसको क्यों ढूंढेंगे? तो उसका प्रमाण किसी और को देना नहीं पड़ा, उसका प्रमाण रामकृष्ण परमहंस देव के गुरु तोतापुरी ने दे दिया। तोतापुरी ने एक कांच का टुकड़ा लिया और कपाल में लगा दिया, चीरा, खून निकलने लगा। कट जाने से जलन होता ही ना, कट जाने से जलन शुरू हुआ। अभी झोला गलम। अब तो था पूरी बोला, डाको ना शाला, अब तुम माँ के डाको ना, बाजी ने तुम माँ। ये बात वही खुल गई। पर आप अपने ऊपर आकेदा नहीं, आपकी अपनी मान्यता नहीं है, इसका मतलब आप भटके भी हैं। तभी ना खोज रहे हैं वहाँ जा छोटी कहाँ से क्या पाया जा सकता है। जीवात्मा का सत्ता अलग है, वो ईश्वर ज्ञान में परिपूर्ण है और प्रकृति ज्ञान शून्य है, जीवात्मा में कुछ ज्ञान कुछ अज्ञान का है। जब तीनों चीजें अलग अलग है, अब वेद कह रहा है दुआ सुवर्ण सही जा सकाया समान अमृतम ईश्वर प्रकृति और जीव तीनों को अलग अलग करके बता दिया है कि एक वृक्ष है प्रकृति, उस प्रकृति रूपी वृक्ष में दो चिड़िया मानो बैठी हो, एक परमात्मा रूपी चिड़िया और एक जीवात्मा रूपी चिड़िया। तो जो जीवात्मा रूपी चिड़िया उसको खाना और पीना पड़ता है, अल्पज है, और जो परमात्मा रूपी चिड़िया वो ना खाना पड़ता ना पीना पड़ता, वो सर्वज है, वो देख करके ही जानता है। अभिचाक्षिति शब्द है अनश्नन्यो अभिचाक्षिति, बिना स्वाद लिए बिना चिखे उसके स्वाद को वो जानता है, उसको चिखने की आवश्यकता नहीं है। तो जब दोनों यहाँ तीनों चीज अलग अलग बताया जा रहा है, वेद अलग बताया जा रहा है, वेद में अलग बताया, फिर विवेकानंद को कहाँ से मिल गया कि ये सब एक है बताए, तुलसी को कहाँ से मिल गया, ईश्वरदान जी को विनाशी बता दिया। और ये हिंदू में चलना संभव हुआ, इस्लाम में चलने नहीं दिया। मंसूर हिंदाज नाम के एक सूफी हुए हैं, वो खाना लाख बोला था, मार दिया उसको, खत्म कर दिया, इस्लाम में चलने वाला नहीं। लेकिन हिंदू तो बिना वेदी कर रहा है, गंगा गए गंगा था, जमुना गए जमुना था, अभी पाप होने जा रहे हैं सब गंगा सागर। सुविधा है शरीर के मैल धुल गए, मियां कल नहीं है कि नाम से शरीर के मैल धुलेगी, पाप है, पाप होते हैं और पुण्य भी धुल जाता है, पुण्य वाटरप्रूफ है। हां वो जो नहीं इतने अकल के दुश्मन है, ये कहेंगे कि पंडित जी तो पाप तो धोए नहीं, भी पाप अलग है, जबकि मनु ने कहा अविर्गत प्राणी शुद्धति मन सत्य शुद्धति विद्या तक भाव भूत आत्मा बुद्धि ज्ञाने ने शुद्धति। वहां तो मनु ने साफ बता दिया कि नहाओगे शरीर के मैल धुलेंगे, मन सत्य ने शुद्धति, मन की शुद्धि होगी सत से। अब सत को अपनाए बिना मन की शुद्धि होगी नहीं। ये जो दुनिया के अंदर में, चाहे मैं किसी वर्ग का नाम नहीं ले रहा, ये जो मानवता पर जो कुलाघात हो रहा है ना, वो सत को स्वीकार न करने के कारण ही मन की शुद्धि नहीं हो रही है। तो एक चीज तो भागवत में बोला है सत